नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर से संबंधित जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर करंट अफेयर्स से संबंधित हो सकते थे वह लेकर हम आप लोग के बीच उपस्थित हो चुके हैं। देखते हैं आज के करंट अफेयर के पिटारा में क्या क्या है आपके लिए खास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की जीत के उपलक्ष में विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन क्या हुआ था कि भारत पाक का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के उपरांत बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। उससे पहले पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ था उसमें भारत और पाकिस्तान बनता था। और एक उसमें क्या हुआ था कि एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो कालांतर में आज जो बांग्लादेश है वही पूर्वी पाकिस्तान पहले था। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ और उसी से एक नया देश निकला, बांग्लादेश। देश की राजधानी है ढाका। अब यहाँ पर एक और बात बताने की जरूरत है कि 16 दिसंबर को भारत मनाता है विजय दिवस और 14 दिसंबर को बांग्लादेश जो है वह मनाता है शहीद दिवस, क्योंकि 14 दिसंबर को बांग्लादेश के बहुत सारे जो विद्वान लोग हैं और वहां का जो आम नागरिक है उसका नरसंहार हुआ था, उसकी हत्याएं कर दी गई थी पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा। तो इसी के शोक में वह शहीद दिवस मनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो ये चुना गया है टोनी एनसिम को चुना गया है। अब टोनी एनसिम कौन है? तो ये भारतीय मूल की है लेकिन अब भारत की नागरिक नहीं है, ये जमैका की नागरिकता ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बिल 2019 द्वारा कितने संस्कृत संस्थानों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो इसका जवाब है 4। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और किस राज्य के बीच मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित मुद्दे के समाधान हेतु 3 स्तरीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है? मतलब जब किसी भी विषय को लेकर 2 लोगों के बीच में मतभेद होता है तो उस मतभेद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता का गठन किया जाता है। तो आप समझिए ये जो पर्यवेक्षी टीम है यह भी एक तरीके से मध्यस्थता ही है, मीडिएटर इसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या है कि किस राज्य के बीच, तो इसका सबसे पहले आप जवाब लिख लीजिए फिर हम अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। इसका जवाब है तमिलनाडु। अब यहाँ पर मुल्ला पेरियार बांध आया है तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बांध जो है वह केरल जिला के इडुक्की जिले में अवस्थित है। और ये जो है मुल्ला पेरियार बांध ये 2 राज्यों के बीच में, हमेशा जल को लेकर 2 राज्य आपस में गिर जाते हैं, वो 2 राज्य है केरल और तमिलनाडु, बराबर इन दोनों के बीच विवाद होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मार्च 2020 में 36वें अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत और ये काफी महत्वपूर्ण चीज है और भारत के लिए गर्व का विषय है। अब ये जो भूवैज्ञानिक कांग्रेस है, इंटरनेशनल जियो साइंटिस्ट कांग्रेस है और इसका आयोजन प्रत्येक साल पर होता है, IGC इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, IGS कहते हैं। और इस IGC होगा क्योंकि कांग्रेस है ना, इसलिए IGC होगा। और IGC का 36वां बैठक जो मार्च 2020 में होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। और इसका जो पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1878 में। और इसकी मेजबानी कौन किया था? तो इसकी मेजबानी कर रहा था फ्रांस।
और अब इसकी भारत मेजबानी कर रहा है। और एक और बात, भारत इसकी दूसरी दफा मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 1964 में भी इसकी मेजबानी किया था, और जिस समय भारत पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा था, एशिया का भारत पहला देश था जो आईजीसी का आयोजन जहां हो रहा था, और इस बार दूसरी बार है, और एशिया में भी संभवतः दूसरी बार ऐसा है जहां तक लगता है आपको। दूसरा अगला क्वेश्चन है, वाहनों से पथकर वसूलने के लिए स्वचालित भुगतान व्यवस्था फास्ट टैग कब से लागू होगा? तो ये लागू हो चुका है 15 दिसंबर से। अब जो फास्ट टैग है, यह है क्या, पहले क्या होता था कि आप कहीं भी सफर करने के लिए जाते थे, और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते थे तो उस राज्य के सीमा पर एक टोल प्लाजा होता था। टोल प्लाजा पर आपकी गाड़ी रुकती थी और वहां जो गाड़ी जो चला रहे होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनको भुगतान करना होता था पथकर। पथकर मतलब रोड टैक्स देना होता था। अब रोड टैक्स जो है, गाड़ी चलती रहेगी, ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम है फास्ट टैग, और यह 15 दिसंबर से लागू हो गया है। यानी कि अब रोड टैक्स के लिए टोल प्लाजा पर आपके वाहन को नहीं रुकना पड़ेगा, आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? तो इस देश का नाम है सूडान, और जिसके ऊपर यह मुकदमा चला है, जिनको सजा दी गई है, उनका नाम है उमर अल बसर। ये सूडान के राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें 2 साल के सजा मिला है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का नया क्रिकेट कोच कौन बना है? जवाब है मार्क बाउचर। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जो एक अच्छे विकेट कीपर के साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 दिसंबर। 2 शब्द आता है, एक आता है पुण्यतिथि और एक आता है जयंती, और ये दोनों शब्द जो है वह महान पुरुषों के लिए प्रयोग में आता है। अब जयंती का मतलब होता है जन्मदिन, और पुण्यतिथि का मतलब होता है जिस दिन उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, तो उस तिथि को हम पुण्यतिथि कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को मनाई जाती है, यानी 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल इस दुनिया को छोड़ चले और अनंत आकाश में परमात्मा के सानिध्य में विलीन हो गए। और यहाँ पर एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि पूछा भी जाता है कभी कभी परीक्षा में कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875 को, और इनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय अखंडता और एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और एक बात, इस बार जो जम्मू कश्मीर राज्य पहले था, अब वो राज्य नहीं रहा, अब वह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त हो गया, जम्मू और लद्दाख। तो जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ, विभक्त कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अब सरदार पटेल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की हम चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, आप इस बात को नोट कर लेंगे। हालांकि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं है, फिर भी ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे, और इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। बारदौली किसान आंदोलन की सफलता से खुश होकर बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली, तो उसका जवाब होगा बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन जो था वह कब हुआ था, तो बारदौली आंदोलन 1928 में गुजरात में हुआ था, और इसी आंदोलन से खुश होकर इनको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा प्रदान किया गया था। अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई,
तो इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2016 को और यह प्रधानमंत्री की और इस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जो परिवार बीपीएल से संबंधित है, जिनका नाम बीपीएल में की सूची में दर्ज है, उनको फ्री में गैस कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे रुखसत होने की, आपसे विदा ले। उससे पहले 3 प्रश्न आपसे जो हम नियमित पूछते हैं उसकी बारी है। आपसे 3 प्रश्न पूछे, उससे पहले कल जो 3 प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब हम आपको दिए चले। कल के पहले प्रश्न का जवाब है माले, दूसरे का डॉक्टर एस जयशंकर और तीसरे का है हॉकी। आज का पहला सवाल आपको बताना है तमिलनाडु की राजधानी का है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में अवस्थित है। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि आप 3 प्रश्नों का सही से जवाब देंगे और 3 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक और सूचना हम आपको दे देते हैं, कल निजी कारणों से, निजी व्यस्तताओं की वजह से हम करेंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 19 दिसंबर से आपका करेंट अफेयर का जो क्लास है वह फिर से रेगुलर चालू रहेगा और 18 दिसंबर का जो क्लास नहीं होगा इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 19 दिसंबर का जो होगा उसमें हम 18 वाले को भी देखेंगे और 18 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण घटना होगी उसकी चर्चा हम 19 दिसंबर को भी करेंगे। तो हो सकता है कि 19 दिसंबर का जो वीडियो आए उसमें प्रश्नों की संख्या 10 से ज्यादा हो या फिर 2 शिफ्ट में उसको हम लेकर आए। तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।